सातवें चरण में यूपी की सीट 14 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी शामिल। आखिरी दौर के लिए भी यूपी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, मतलब मोदी योगी की जोड़ी जो है वो लगातार जोर लगाए हुए। आज योगी ने गोरखपुर में रवि किशन के लिए वोट मांगे, इसके साथ ही उन्होंने कुशीनगर देवरिया में भी चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये लोग तालिबानी शासन लागू कर देंगे। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर बताता हूं कि पीएम मोदी की सीट पर क्या बड़ा होने वाला है। इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है, ये कहता है आएंगे एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है, आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन। सातवें चरण में पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर भी वोटिंग। कल वाराणसी में विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। कल वाराणसी में पहली बार प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। ये दोनों नेता कल रोड शो करने वाली हैं। 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। वाराणसी में कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में यह पहला मौका होगा जब प्रियंका और डिंपल एक साथ प्रचार करेंगे। इस चुनाव में अखिलेश यादव अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरे हैं। यह अलग स्ट्रैटेजी क्या है वो भी आपको समझा देता हूं भाई। अलग स्ट्रैटेजी ये है, आप देखिए कि अखिलेश यादव सपा, इनके यादव कैंडिडेट कितने हैं इस बार, यादव कैंडिडेट सपा ने इस बार कितने यादव कैंडिडेट उतारे आप 2014 से देखिए। 2014 में 12 यादव कैंडिडेट, 2019 में सपा ने 10 यादवों को टिकट दिया, लेकिन 2024 में सपा ने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया है, सिर्फ 5 को। और ये 5 के 5 यादव कैंडिडेट मुलायम परिवार के हैं, मुलायम परिवार, यानी जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी MY समीकरण पर चलती थी, मुसलमान और यादव। जब वो बार बार हारने लगे तो उनको लगा कि शायद यादव से काम नहीं बन रहा, तो उन्होंने यादवों को ही छोड़ दिया, सीटें घटा दी, और जो 5 यादव चुने गए वो 5ों मुलायम सिंह यादव के परिवार के। और यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर कोई यादव सपा के जीतने पर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो अखिलेश यादव हो सकते हैं, और किसी यादव के लिए जगह नहीं है इनके पास। और अब वो अब इस बार दिख भी रहा है, परिवार से बाहर के किसी यादव को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने इस बार। टिकट किसे दिया भाई? जिन यादवों को टिकट मिला उनके नाम आप देख लीजिए। धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है आजमगढ़ से, इसके अलावा अखिलेश यादव कन्नौज से, मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव। क्या पूरे यूपी में, इतने बड़े यूपी में एक यादव ऐसा नहीं था जिसको अखिलेश यादव की पार्टी से टिकट मिल सके, जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाहर से हो? अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति के तहत ऐसा किया, और यह इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले सिर्फ MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे रहती थी। 2014 में बीजेपी ने दूसरे ओबीसी वर्गों को अपने पाले में कर लिया, इससे बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। इसलिए अखिलेश ने इस बार PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे दिया, और टिकट बांटने में भी यादव को छोड़कर दूसरे ओबीसी वर्गों का ध्यान रखा। अगर आप यूपी में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को देखें तो सपा के कुल कैंडिडेट कितने हैं, सपा के कुल कैंडिडेट अगर आप देखेंगे यूपी में, कुल कैंडिडेट हैं इनके 62 अगर आप देखेंगे। इसमें यादव 5 है, आपको बताया यादव इसमें से 5 है, मुस्लिम 4, और अगर आप देखेंगे अन्य ओबीसी जो हैं, अन्य ओबीसी उनको 27 को टिकट दिया गया, 27। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि दलितों को, दलित 15 हैं जिनको टिकट दिया गया है, और जो अपर कास्ट है, अपर कास्ट उनको कितना टिकट दिया गया है, 11। ये है सपा का कैलकुलेशन। जबकि बीजेपी के कैंडिडेट देखिए तो बीजेपी 75 सीट पे लड़ रही है। अब आपको बीजेपी का दिखाता हूं, बीजेपी लड़ रही है 75 सीट यूपी के अंदर, और इसमें अगर आप देखिएगा एक यादव को टिकट है, इसके अलावा मुसलमान 0 मुसलमान को टिकट दिया है बीजेपी ने, इसके अलावा
अन्य ओबीसी जो हैं, अन्य ओबीसी 24, दलित 16 हैं यहां पर, और अपर कास्ट जो है उनको 34 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे। यानी इस बार बीजेपी और अखिलेश के बीच नॉन यादव और अन्य ओबीसी वोट को लेकर लड़ाई, और जिस तरह से मायावती यूपी में अलग चुनाव लड़ रही हैं और दलित वोटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ हद तक ये लड़ाई जो है उसमें दिखती है। अभी तक की वोटिंग में कौन क्या कह रहा है, केजरीवाल भी अपना नंबर दे रहे हैं, दो चीजें चल रही हैं भाई। एक तो ये हो गया कि भाई ये समीकरण चल रहा है, लेकिन सवाल अब ये है कि भाई कौन कितनी सीटें जीत रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि केजरीवाल अपना दावा कर रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट अपना अपना दावा कर रहे हैं। इसमें दो दावों की बड़ी चर्चा चल रही। एक दावा योगेंद्र यादव का है जो ये कह रहे हैं कि वो 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को कम से कम 50 सीट का नुकसान हो रहा है। ये योगेंद्र यादव का दावा है। इसके उलट प्रशांत किशोर का दावा है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई असंतोष नहीं है, 2019 की 303 सीटों के मुकाबले बीजेपी की सीट बढ़ेगी, कम तो किसी हाल में नहीं। इन दावों के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के टारगेट को लेकर यह बड़ी बात कह दी कि विपक्ष तैयारी नहीं करता इसलिए फेल हो जाता है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी। उनको समझ में ही नहीं आया कि मोदी उन्हें कहां लेकर जा रहा है। तीन चरण के बाद किसी ने विपक्ष को बताया कि आप पूरा कैंपेन ही ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा या नहीं, और यही पूरे चुनाव में दिखा। यानी विपक्ष नरेंद्र मोदी के ट्रैप में फंस गया। हालांकि बीजेपी के लिए 370 का टारगेट रखना या फिर एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट रखना, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने ऐसे ही इतना बड़ा टारगेट रख दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि बीजेपी बहुत सीरियस और प्रोफेशनल पार्टी है, यह कोई तुक्का नहीं लगाती। बीजेपी का 370 सीट का टारगेट कोई रैंडम नंबर नहीं है, इस पर विचार और विश्लेषण किया गया, बूथ वाइज एनालिसिस किया जाता है, तब कोई टारगेट रखा जाता है। बीजेपी का वोट शेयर 2019 में 37.5% था, जो इस चुनाव में बढ़कर 42% या उससे ज्यादा होने वाला है। ऐसे बहुत राज्य हैं जहां बीजेपी अपनी पोजीशन को मजबूत करेगी। कई राज्यों में पिछली बार से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, जैसे बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, यूपी और तमिलनाडु। अपनी जीत को लेकर पीएम मोदी भी आश्वस्त हैं, और शायद यही वजह है कि वो अब चुनाव के आखिरी पड़ाव में एकदम रिलैक्स मोड में आ गए। आज पीएम मोदी हिमाचल में थे, वहां उन्होंने हिमाचल की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें ली। ये देखिए, यहां लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई फोटो फिनिश होगी, मतलब एकदम नेक टू नेक मामला है। अलग अलग नेता अलग अलग तनाव में जी रहे हैं, यहां नरेंद्र मोदी फोटो खींच रहे हैं, इतना रिलैक्स हैं कि भाई जीत रहे हैं अब क्या। इधर पीएम मोदी रिलैक्स मोड में है, उधर विपक्ष इस गुणागणित में लगा है कि पांच चरण के बाद किसकी कितनी सीटें आ रही। जैसे मैंने आपको बताया था कि केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी को 220 से कम सीट आ रही है। तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी 310 सीट हार चुकी है। जयराम रमेश का दावा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जीत के 3 दिन के अंदर पीएम का ऐलान कर देंगे। लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत से क्यों दूर दिखते हैं, उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई। लेकिन दावे, वादे और काम, ये तीनों कैसे इंटरकनेक्टेड हैं? काम कीजिएगा तो दावा कर पाइएगा, दावा करिएगा और वादा निभाइएगा तभी वो दावा पूरा होगा।